हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्त, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सो दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके भी मोबाइल में YouTube वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होती है और ऑटोमेटिक पॉज हो जाती है, यानी कि आपके भी मोबाइल में YouTube वीडियो रुक रुक करके चलती है, कभी चलती है कभी पॉज हो जाती है, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कई सारे ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ दोस्त, जो प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, इस प्रोसेस को आप जरूर फॉलो करना, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल में YouTube वीडियो कभी भी ऑटोमेटिक पॉज नहीं होगी या फिर ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो प्रोसेस बताऊंगा, उस वीडियो को, उस प्रोसेस को फॉलो जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अगर आपके भी मोबाइल में YouTube वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होती है और ऑटोमेटिक पॉज हो जाती है, यानी कि YouTube वीडियो रुक रुक करके चलती है और आप इससे इरिटेट हो चुके हो, तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने मोबाइल में YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लें। उसके बाद राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर लोगो दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है रिकमेंड डाउनलोड, जो कि इनेबल किया हुआ है, इसे ऐसे ही रहने देना, या फिर आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डाउनलोड ऑल, सॉरी डिलीट ऑल डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए, ये डिलीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि आपके YouTube एप्लीकेशन के डाउनलोड सेक्शन में जितनी भी सारी वीडियो डाउनलोड हो रखी होंगी, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को आप जरूर से ज़रूर फॉलो करना, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जो मोबाइल का स्टोरेज है वो ज़्यादा फुल हो जाता है, या फिर आपके YouTube के डाउनलोड सेक्शन में ज़्यादा वीडियो डाउनलोड हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर पड़ जाती है। इसलिए आप इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करना। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है और साथ ही हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, क्लियर वॉच हिस्ट्री, इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लियर वॉच हिस्ट्री पर क्लिक कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्लियर सर्च हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए, क्लियर सर्च हिस्ट्री पर क्लिक कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो और ऑप्शन हैं, पॉज वॉच हिस्ट्री और पॉज सर्च हिस्ट्री। आप चाहे तो इसे इनेबल कर सकते हैं, चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप पॉज वॉच हिस्ट्री को इनेबल कीजिएगा, तो इससे होगा क्या कि आप जो भी वीडियो देखिएगा वो वीडियो वॉच हिस्ट्री में शो नहीं करेगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप जो भी YouTube पर सर्च कीजिएगा, जो भी टाइप कीजिएगा, वो आपके सर्च हिस्ट्री में नहीं दिखेगा टेक्स्ट। आप चाहे तो इसे इनेबल कर सकते हैं, चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैनेज ऑल एक्टिविटी पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आप अपनी एक्टिविटी देख सकते हैं। ये सारा कुछ तो हो गया, तो इस प्रोसेस को आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन हैं, इसका आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक और तरीका है, मान लीजिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में आ जाइए। ठीक है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ़ोन स्टोरेज का, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं उससे आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है दोस्त, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। देखिए, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके लिए आपको मोबाइल के सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, या फिर सर्च कर लेना है ऐप मैनेजमेंट। ठीक है, ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट का आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब सेक्शन में आ जाना है, यानी कि यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर क्लियर डाटा कर देना है, ओके कर देना है और क्लियर कैचे भी कर देना है, इसको भी आपको क्लियर कर देना है। ठीक है, तो दोनों को दोनों क्लियर हो जाएंगे, 0 बाइट हो जाएगा। इन सारे प्रोसेस को करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो लास्ट एक और ऑप्शन है, एक और प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप जरूर फॉलो करना। आप क्या करना, सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग में आ जाना और यहाँ पर सर्च कर लीजिए इरेज, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है इरेज ऑल डाटा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद या फिर फैक्ट्री रिसीट का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फैक्ट्री, आपको फैक्ट्री रिसीट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें इरेज का ही ऑप्शन है, इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रिसीट, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इरेज ऑल डाटा पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड हो सकता है आपसे भी मांगे, तो आप डाल देना, मैं आपको डाल करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, जैसे ही पासवर्ड डालिएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, कैंसिल और इरेज डाटा का। आप इरेज डाटा पर क्लिक कर देना, आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, फिर से आपका मोबाइल नया जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपको फिर से अकाउंट वगैरह क्रिएट करना होगा हर जगह,
यूट्यूब में, गूगल में, सारा कुछ। तो उसके बाद लेकिन होगा क्या कि आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, आपकी यूट्यूब वीडियो फिर आपके मोबाइल में कभी भी रुकेगी नहीं, हर हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगी, मतलब कि जब आप चलाओगे तभी तो चलेगी ना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप जरूर से ज़रूर फॉलो करना, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी बारीकी से मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे ठोक दो यार। और हाँ, आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्त, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।